ये ईश्वर का मेला है। ईश्वर इसमें इमा कंडक्टर भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, साधु भी चाहिए, इमा हलवाई भी चाहिए, रक्षा चलानिया भी चाहिए, गाड़िया भी चाहिए, बजानिया भी चाहिए। ये उसका मेला है। वो है तारे से काम दे दे कर्मा के अनुसार। माले तू चाहे तू मैं 5 क्विंटल घी खा जाते तू पहलवान बन जा, मां गारंटी है। आसन ला गया नहीं बोला नहीं बन सकता। और जिसका मैं सपेर पाठ पहलवान वाला गल के आ रहा था नी, ओ का मैं पानी भी लगेगा देख ले, पानी पियोगा ना उसमें फूलता होगा, वो तैयार होता जाएगा दागत। ये उसका सपेर पाठ है। कई जो मिला जी गणिया बनना समय वे बनाता को ना कोई बनिया बनाया उस समय मोहर लागी लुगी को घंटा दो घंटा रुक के मार के देखो, 5-4 घंटे मार के देखो, एक सांस आएंगे के रुके सर पाट जाएगा, दर्द हो जाएगा, आख्याम जी आ जाएगा, न्यू ना होती। वो ये सफेद पाट का हल के बेचे है। निबला इतनी याद क्यों कर रखो, मगर बता दी सफेद पाट का हल के बेचे है। उसका वो कम है कि मार दो रखो कुश्ती करावा को गोली चलवाओ तो मर्द चल रखो ने माम यो कर सका हमारा यो काम है। अर बोले भाई आदमी अपना काम करे और काम फिर निमट जा तो निबला फिर ईश्वर का ध्यान करे, उसका भजन करे तो यो ये करे। इस तो तीसरी बात मिथ्या है, झूठी है। करने ने धंधा भजने ने राम अरे झूठा है साधो जगत बाग तोड़े तन में रात ने आराम झूठा है साधो ये जगत तमाम। आज इस रियांश का बेटे का जन्म हुआ है। आज इसे न्यू कहा है यो भगवान स्वरूप बच्चा। इन्हें भगवान स्वरूप क्यों कहे हैं? काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, सब कुछ होते हुए वो फूल खिलाना है ना, अपने पराई की पहचान है। ये ईश्वर का रूप है। अरे फिर सच सच हम लावांगे सुए भर भरे, हम बताए अब हम मनसा ए उनका मत जाइए, अपने उनकी नहीं बनती है, 3 पीढ़ी दिखे चली है, यो तेरा ताऊ है, यो तेरा चाचा है। फिर पक्की मोहरे न्यूज सुए भर भर लावा उन्हें तैयार कर दिया था। एक निबला गुरु जी मेरी माँ बड़ी धार्मिक है, आप मेरी माँ से मिलकर बड़े प्रसन्न होंगे। गुरु जी निबला रे वाह माँ धार्मिक है और मैं धार्मिक लोगों से मिलकर बड़ा प्रसन्न होता हूँ। बोला जरूर चलेंगे। 5-7 दिन पास पूरे दल बल तक गुरु जी माता जी से मिलने पहुंचा। माता जी ने भाज का छाती का लाया, कुर्सी पर बैठा, दूध पेड़े मंगा दिए। और फिर बात चाली ने बोली बेटा धर्म के विषय में आजकल क्या अध्ययन चल रहा है? ओ ने बोला माता जी धर्म के विषय में आजकल मैं कुरान के अध्ययन पर लगया हुआ हूँ, मैं कुरान को पढ़ता हूँ। और न्यू कहते हैं न्यू बुढ़िया गया क्या खून उतरिया ने बोले सत्यानाश कर दिया, अरे डूब के मरे, तू हिंदू के घर में पैदा होकर कुरान पढ़ता है? गुरु जी ने बोला सुभाष निबले हाँ गुरु जी निबले न्यू का धर्मा धार्मिक से ये बात निबले प्योर सांप्रदायिक है, प्योर सांप्रदायिक है, धार्मिकता का इसका कोई लेना देना नहीं है। फस्त नाई धोबी जाट बमण आड़े रे साइए परमात्मा नहीं बनेगी भाई बात। इस तले कट जैसे हिंदू मुसलमान मर्द रे नहीं बनेगी भाई बात। भिखारी को नहीं मिलता है, सम्राट को मिलता है। इतना दिव्य हृदय हो जिसमें वो समा सके, भरया तो मैल देश में नागा है सही है भगवान नहीं बनेगी बात। यो कुणबा ला देश सुए जग ने सिखाया नाता मात पिता भाई हो कुण सा है गाम नाम जात भी गणाई हो कुटम कबीला तेरी यारी असनाई हो।
किसने टालेगा किस डाल मेरे भाई संतों ने बताई हो संतों ने बताई रवि थी बज ले इतिहास को हमेशा विजेता ने लिखा है। इब हम पैदा हुए जब हमने वे लोग मिले जो हमारे से 50 60 70 साल ज्यादा अनुभव जीवन का रखते थे और कोई मिले आए नहीं। और फिर हम ऊपर ना होने लगे तो वे भी मरण लगे। आज हमारी उम्र अपने तो हिसाब ला लियो वारी से हम बतावा अगली पीढ़ी ने अपने महाज आंखो सब इस ईश्वर के बारे में ब्रह्मांड के बारे में प्रकृति के बारे में पुरुष के बारे में किसने कितना बेरा है। फिर के ग्राम ले लेख ठाओ लेख पढ़ लियो जब दास आ जा तो किसे समझदार के समझ में आओ। तो लेख को हमेशा विजेता ने लिखा। जो गद्दी पर बैठा उसने खुद को देवता साबित करने की कोशिश करी और दूसरे को शैतान साबित करने की कोशिश करी। अगर दुर्योधन जीतता तो यह इतिहास नहीं होना था। रावण जीतता तो यह इतिहास नहीं होना था। अगर सुभाष चंद्र बोस देश का पहला प्रधानमंत्री होता तो यह इतिहास नहीं होना था। इतिहास और होना था। जो गद्दी बैठ गया खुद को देवता। आज मोदी का राज है। मोदी की चाल लगी जो यो लिखेगा ना वह चाल लगी और स्थिति करा लियो अपनी। जो चाहे नाम बदलो चाहे योजना बदलो उनकी जिसका राज है इतिहास वो लिखता है। शाने हो जाओ महारानी ठोक ठोक के भरती बात। एक एक राजा सौ सौ वीर बनी रखा करता। हैदराबाद के नवाब के 500 बेगम थी शायद नाम भी ना जानता हूं सारिया के। किरसन का 8 रानी थी मान्यता प्राप्त। अरुण टोटल जोड़ोगे रूंगे वाली सारी थे 16108। ये लेख के है वो 8 रानी थी। ये हमारा सिंबल था ताकत का। जो जितना ताकतवर होता वो ज्यादा रानियां रखा करता था। और प्रकृति बराबर में पुरुष और मादा पैदा करती है। फिर ये गरीब आदमी थे रह गया आंख मारते उनका बाटा कम भी ना आया। उन नए मानस कट्ठे करे नहीं बोला डटो भाई भावना तो बोला मारा भी है हम कड़ा मरा भाई ये राजा ही ले गया सहरिया ने। जब ये समाज में नियम बना दिया एक आदमी एक शादी करेगा नहीं तो फिर धर्म से हमारी हर एक न तो पाप हो जाएगा नाश हो जाएगा मानस मर जाएगा बैगन हो जाएगा। कितना अजीब फार्मूला है। इसी धरती पे कोई हिंदू के पंथ के नियमों से जीता उसके लिए दो शादी करना पाप है। मुसलमान की 4 कोई पाप नहीं है। मुसलमान मीट खाए तो कोई पाप नहीं है। हिंदू मीट खाए तो पाप है। कैसा दोहरा मापदंड है। कैसी विचित्र बातें हैं। और मैं कहता हूं कोई ये धर्म नहीं है ये सब पंथ हैं। इन नियम बनाए हैं। जो इन नियमों से जिएगा सिख इन नियमों से जिएगा ईसाई इन नियमों से जिएगा हिंदू मुस्लिम ये नियम बनाए हैं। न्यू कहे पैदा तो हर एक सनातनी होता है। सनातन धर्म ये मानव का धर्म है। और धर्म का कोई रंग रूप आकार नहीं है। धर्म हर पल है घर पे भी है। बेटे का धर्म पिता का धर्म पुत्र का धर्म माता का धर्म भाई का धर्म पड़ोसी का धर्म एक दोस्त का धर्म अड़े खड़े से एक प्रचारी का धर्म एक श्रोता का धर्म। धर्म हर पल है। किसने धर्म को साथ दिया किसने धर्म को छोड़ दिया। इसे रसमल जैसे मानस गैंग में शामिल हो जैसे बेरा ही ना लागता है बीड़ी पीण लागे से बेरा ना लागता है। निकला मैं पीऊँ सू शोखिया पीऊँ सू। और फिर पीत्या पीत्या वो एक दिन रोट खा कर ना मिलती है ना बीड़ी जब जानी पाटो मारा नहीं फिर ढंडे से चुगरते हैं जो हो बोला तू तरह बीड़ी पीण लग गया जान ना पाटती भाई मानस करता है उसे।
ए वासना का फूल खिला दिखे नहीं तन में हो कामना जा कोले मारे सारी हाना मन में हो वासना की पूर्ति को प्राण रहे धन में रचाए जान रचाए जान ओ वे कैसे पहचान फस्या रण में अंतकरण में ओ हो अंतकरण में बसा तू समन का काम झूठा है साधो ये जग पे तमाम ओ करे मानना वाले गांव के रहने वाले हमारे साथी हैं 500 रुपए से मान सम्मान हौसलाफजाई करते हैं भाई को धन्यवाद। मन बुद्धि चित्त और अहंकार पाड़ा हो अंतकरण में रहे ये इस डाला हो ज्ञान से लगा दे इन पांचों के ताला उजाला हो जा उजाला रखो दे तृष्णा हराम साधो जगत बिटिया रिद्धि 100 रुपए से मान सम्मान किया परमात्मा लंबी उम्र हो धन्यवाद। ये भी एक संस्कार देना ही है और या के बीएसएफ मला गृह के पेंशन आओ है कोई को बड्डा रहा सी गए लोनो सौ का नोट दिया से कित ले आओ दी इसके ना भजन समझ में आते पर ये संस्कार हो गया इसने भीतर दे बेरा लाग गया के भजनी का मान सम्मान करिया करे बस इतनी ये बात है। सिखाई कला नाचना और गा
गात गंग मनाना गाम साम चाणा गाम साम चाणा सच्चे सतगुरु का दावे झूठे सब ये जगत जमावे करणे मेरा नाम राजू राणा नाम अरे बहती है गंगा जहाँ मेरा नाम राजू राणा